हेलो फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल ड्रीम फैंटेसी किंग में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एसटी किड्स एंड नेविस वर्सेस जमैका थलावास का, जो कि होने वाला है एलिमिनेटर। तो आज टीम में सबका पॉइंट बढ़ चुका है एलिमिनेटर की वजह से, तो आज हमारे बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं इसलिए आपको दो टीम बताऊँगा, सब प्लेयर कवर करके आप किसको ले सकते हैं किसको नहीं। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारा नया चैनल है, तो आप नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ जो जो ड्रीम इलेवन खेलता है। तो विकेट कीपर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ग्लेन फिलिप्स और डेवन थॉमस है। तो ये दो हमारे पास ऑप्शन है। तो ग्लेन फिलिप्स का अच्छा फॉर्म चल रहा है तो हम उनके साथ जाएंगे, अगर आप जाना चाहें तो डेवन थॉमस के साथ जा सकते हैं। बैटिंग ऑप्शन की बात करें तो क्रिस गेल और रॉबमैन पावेल, ये दो हमारे पास की प्लेयर्स है, तो हम इन्हें मिस नहीं करेंगे और स्मॉल लीग में तो इन्हें कोई भी मिस नहीं करेगा। बाकी ऑप्शन की बात करूँ तो इवन लुइस, एंटोन डेविस, रॉस स्टेलर, जॉनसन चार्ल्स, वेंडरसन, डेविड मिलर, ये सब हमारे पास और ऑप्शन है। तो अब यहाँ पे से रॉस स्टेलर, जॉन चार्ल्स और वेंडरसन, मैं इन तीनों के साथ जाऊँगा। अब ऑलराउंडर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बेन कटिंग और एंडरसन को अगर आप लेंगे तो हमारे पास पॉइंट्स का बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से ओसन थॉमस, तब्रेज शम्सी और बात करें तो सेल्डन कॉटरेल, अगर हम उन्हें लिए तो और प्रॉब्लम है पॉइंट्स को लेकर। जब देख सकते हैं आप यहाँ पे 6.5 पॉइंट्स बच रहा है, तो हम इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते एंडरसन को, तो इसलिए हम यहाँ से एंडरसन को हटा देंगे। और ऑलराउंडर की ऑप्शन की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास मोहम्मदुल्ला और कॉलिन डी ग्रैंड होम है, तो आप इनमें से किसी एक के साथ जा सकते हैं। तो मैं मोहम्मदुल्ला के साथ जाऊँगा, अब अभी ये थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। और यहाँ से बॉलिंग ऑप्शन की बात करो तो एल्जारी जोसेफ, इसक सोडी और सैमुअल ब्रदरी, ये सब हमारे पास और ऑप्शन है। अगर आप जाना चाहते हैं इनमें से किसी के साथ भी जा सकेंगे। मैं इसक सोडी के साथ जाऊँगा जो कि स्पिनर है, तो ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला टीम जो कि सब अच्छे प्लेयर्स को लेके है। अगर आप लेना चाहें एंडरसन को तो वो भी मैं बताने वाला हूँ आप कैसे एंडरसन को ले सकते हैं। तो यहाँ से आपको मोहम्मदुल्ला को हटाना होगा, यहाँ से आपको क्रिस गेल को हटाना होगा और इवन यूस को लगाना होगा क्रिस गेल के बदले, और यहाँ से आप ग्लेन फिलिप्स को हटा के डेवन थॉमस को लगाना होगा। तो ये हमारे मेन दो प्लेयर चले गए, क्रिस गेल और ग्लेन फिलिप्स, जो कि धाकड़ दो बैट्समैन हैं, तो ये चले गए। फिर आपको यहाँ से और एक काम करना होगा, रॉस टेलर या जॉनसन चार्ल्स, इन दोनों में से किसी एक को हटाना होगा, वो आप पे डिपेंड करता है आप किसको हटाएंगे। वहाँ से हटा के डेविड मिलर के साथ आप जाइए, डेविड मिलर के साथ जाइए, तो देखिए आपका 10.5 पॉइंट्स हो चुका है, तब यहाँ से आप जाके एंड्रू रसल को ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टीम एंड्रू रसल के साथ। तो आप कौन टीम के साथ जाना चाहेंगे तो आप चल जाइएगा। तो अब बात करेंगे हम कैप्टन और वाइस कैप्टन की, तो रुक जाइए मैं टीम बैठा लूँ। तो चलिए अब बात करते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की। स्मॉल लीग में सब कोई रॉबिन पावेल को कैप्टन और क्रिस गेल को वाइस कैप्टन, नहीं तो क्रिस गेल को कैप्टन और रॉबिन पावेल को वाइस कैप्टन बनाएगा। तो ये दो हमारे पास बेस्ट ऑप्शंस है कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए। तो और ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ से आप ग्लेन फिलिप्स को भी बना सकते हैं, बेन कटिंग को भी बना सकते हैं। मैं ज़्यादातर ऑप्शन की बात दूंगा तो ग्लेन फिलिप्स, रॉबिन पावेल और क्रिस गेल के साथ जाइए अगर आप स्मॉल लीग खेलें, तो इन तीनों में से किसी को आप बना दीजिएगा। अब कैप्टन और वाइस कैप्टन तो लक पे डिपेंड करता है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कौन अच्छा खेल सकता है कौन नहीं। मैं सिर्फ ऑप्शन बता दे रहा हूँ कौन खेल रहा है कंसिस्टेंटली, वो आप पे डिपेंड करेगा आप किसको बनाना चाहें, वो आप अपने मर्जी से बना लीजिएगा। तो कैप्टन बना दीजिए रॉबिन पावेल को, ग्लेन फिलिप्स को मैं वाइस कैप्टन बनाऊंगा, आप चाहे तो क्रिस गेल के साथ भी जा सकते हैं। तो हम डेली वीडियोज़ अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए तो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।